पांच से छह घंटे में कम होगी बिपरजॉय की रफ्तार, ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। सौराष्ट्र कच्छ में कल भी बारिश जारी रहेगी, कल सुबह ये तूफान कमजोर हो सकता है। आईएमडी यानी मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। साउथ राजस्थान की तरफ ये डाइवर्ट हो जाएगा, यानी ये अरब सागर से उठा था, गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों से टकराता हुआ ये राजस्थान की तरफ पड़ जाएगा, तब इस तूफान का असर कम होगा, लगभग खत्म हो जाएगा। अभी जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक लैंडफॉल हो चुका है। कच्छ की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, यानी गुजरात के अलग अलग ज़िलों में इस तूफान की वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, कई पेड़ उखड़ गए, कई खंभे गिर गए हैं। पूरी रात इसका असर रहेगा, यानी जो मौसम विभाग से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 5 से 6 घंटे तक इस तूफान का असर और कहर देखने को मिलेगा।